इसमें मैं बस एक ऐड करना चाहूंगा कि 10th हाउस के लॉर्ड शनि है, जहां पे प्योर लेबर है वो प्योर लेबर है। शनि सबसे स्लोएस्ट प्लैनेट है सैटर्न हम लोग के उसमें, और बिल्कुल एकदम स्लोएस्ट प्लैनेट है और बिल्कुल प्योर लेबर है। और यहाँ पे आप देख लीजिए कि कितना उल्टा है कि एक जगह पे प्योर लेबर है, कारक उनके बुध ही है, बुध उस प्योर इंटेलेक्ट। दूसरे कारक यहाँ पे मंगल उच्च के होते हैं, मतलब कि मंगल जो एग्जीक्यूशनर है वो यहाँ पे जी उच्च के होते हैं, और जी दिग्बली मिली हुई है यहाँ पे सूर्य को। बिल्कुल तो देखिए कि ग्रह भी हम लोग के साथ कितना खेलते हैं, कि मतलब यहाँ पे खेलते हैं। लॉर्डशिप मिली हुई है, कि प्योर लेबर को मिली हुई लॉर्डशिप, और यहाँ पे कारक है यहाँ के बुद्धि, और एग्जीक्यूशन यहाँ पे दिग्बल उच्च का होता है, और एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे आपका दिग्बली होता जी। है ना। तो और फिर आप 11th हाउस में भी आप देख लीजिए कि 11th हाउस के दो पोलॉर्ड्स हैं, एक शनि और एक राहु, और यहाँ के कारक हैं आपके गुरु। गुरु राहु का उल्टा है गुरु। तो बिल्कुल ये देख लीजिए कि कितना हम लोग के साथ भी एक इंटरेस्टिंग लाइफ इसलिए तो बनाता है ना, कि क्यों कहा जाता है कि जिंदगी खुद की एक जंग है, क्योंकि खुद में एक इंटरेस्टिंग लाइफ भी एक बनाता है, कि जहां का लॉर्ड है राहु, वहां के कारक है गुरु, है जी बिल्कुल, ना। गुरु की तो अनुमति इस से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो इसीलिए कितना इंटरेस्टिंग, इसीलिए तो पूरा लाइफ हम लोग इंटरेस्टिंग से कट भी जाता है ना, इंटरेस्ट के साथ, कि क्यों इतना। एक ऋषि पराशर ने बड़ा सोच समझ के ज्योतिष बनाया होगा, ये कभी को और फीलिंग भी आती है बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे पार्थो ने कहा कि शनि हार्डवर्क करवाते हैं, शनि देखिए उनका नाम ही शनि है, शने शने जिसे हम बोलते हैं, मतलब धीमे धीमे चाल। तो जैसे नाम एक सबसे स्लोएस्ट प्लैनेट माना जाता है शनि, लेकिन जब आपके कर्म अच्छे होते हैं तो आपको, आप चाहे वो देर से दे लेकिन आपके हार्डवर्क का रिजल्ट ये मान के चलिए कि वो जरूर देंगे। शनि महाराज हमेशा आपको रिजल्ट देंगे, और जरूर में भी आपके रास्तों में कठिनाइयां आ रही हो, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, आपका हार्डवर्क ज्यादा करवा रहे हो, बट ऐसा नहीं है। आप लोग अक्सर डर जाते हैं, जैसे साढ़ेसती में हो गया या शनि की दशा में या ढैया हो गई तो लोग डर जाते हैं कि अब हमारा, ऐसा नहीं है। शनि कर्म फलदाता है तो आपको रिजल्ट जरूर देंगे, और आप अपने कर्म जिसे कहते हैं ना अच्छे रखिए, और उसका फल आपको 100% मिलेगा, चाहे वो देर से मिले। तो ऋतु जी, मेरा इसमें एक प्रश्न है, ये मेरा भी डाउट जब एस्ट्रोलॉजी हम लोग सीखते थे तो हमेशा से था, कि ऐसा क्यों है कि एक बुध है वहां के लॉर्डशिप और कारक, तो इसमें आप कुछ अपना ऐड करना चाहेंगे कि बिल्कुल ऑपोजिट इसमें आप क्या कारक, ऐसे ही कारक क्यों बनाए गए? 3rd हाउस के कारक मंगल है, 6th हाउस के भी मंगल है, 10th के आपके 2-3 कारक हैं जिसमें प्राइमरी कारक आपके बुध है, और 11th में गुरु, तो कारक के जी ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो, कारक इसलिए बना जाता है, 3rd हाउस जैसे पहले हमने बताया वो छोटे भाई बहन का होता है, शत्रुहंता होता है, आपको एग्जीक्यूट करने की पावर देता है, मिलिट्री का होता है 3rd हाउस, क्योंकि हार्डवर्क एक 3rd हाउस। वैसे अगर हम कुंडली में देखा जाए 3rd हाउस तो वैसे वो बुध का स्थान है, कम्युनिकेशन का है, बैंकर्स के लिए बहुत अच्छा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वालों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन एट द सेम टाइम मंगल उसका कारक है, क्योंकि वो आपको हार्डवर्क करवाने, जब अगर देखिए आप हार्डवर्क नहीं करेंगे तो आपको फल कैसे मिलेगा। अगर वहां पे गुरु जाके बैठ जाएंगे वो तो कहेंगे भैया तुम स्पिरिचुअल बन जाओ, और अपने आप ऐसे तो नहीं होता, लेकिन जब तक मेहनत नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा ना। तो इसलिए मंगल है, मंगल क्या है, जैसे आपने पहले बताया टेक इट और लीव इट, डू और डाई सिचुएशन होती है मंगल की, तो कॉम्पिटिटिवनेस लेके आता है मंगल, है ना। तो मंगल का क्या है, तो इसलिए हम बोला जाता है कि वहां पे मंगल जो है कारक है उच्च के, मंगल हार्डवर्क करवाता है, तो ये मेरा कहना है। बाकी 6th हाउस में भी हम मंगल को ही माना जाता है, क्योंकि 6th हाउस देखिए मामा का घर जैसे आपने बताया है, डिजीज का होता है, दुश्मनों का होता है, दुश्मन होते हैं तो लिटिगेशन का होता है वहां पे घर, तो अगर मंगल बैठ जाता तो सबको खत्म हो जाता है वो, मिलिट्री का अगेन तो ये इट्स सब ऑल्सो द हाउस ऑफ कॉम्पिटिशन ना, इट्स कंपटीशन, ऑल्सो द हाउस ऑफ डेफिनेटली जी कॉम्पिटिशन। बिल्कुल बिल्कुल, कंपटीशन बहुत ज्यादा है आजकल लाइफ में, कंपटीशन ही है, ज्यादा कंपटीशन से ही आगे बढ़ते हैं,
तो मंगल वहां पे 6th हाउस में बहुत अच्छा माना जाता है, और केतु भी बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि अगर केतु बैठ जाता है वहां पे 6th हाउस में तो उसके वो तो कंपटीशन को मार ही देगा ना, आप समझ रहे हैं, बिल्कुल कंपटीशन को आप एकदम खत्म कर देता है। तो ये चीजें हैं कि 6th और 6th हाउस की मंगल कारक क्यों कहे जाते हैं। वैसे ही 10th हाउस में जैसे आप बोलना चाह रहे थे राहु और शनि के बारे में, इवन मंगल जो है उचके हो जाते हैं। नहीं, तो 10th हाउस का एक वही तो एक यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा कि 10th हाउस में कितना वंडरफुल है। आप ये एक बार देखिए कि 10th हाउस में की लॉर्ड शिप मकर शनि हुए और जी उसके कारक है बुध, प्योर इंटेलेक्ट है ना। बिल्कुल सेकेंडरी कारक है यहाँ पे और उच्च के भी होते हैं मंगल, कुछ प्योर मंगल। एग्जीक्यूशन है ना। और दिग्बली यहाँ पे सूर्य, सूर्य का सिंहासन कहा जाता है, राजा का सिंहासन टेंथ बिल्कुल हाउस में, क्योंकि वो फेम का भी हाउस है हम लोग का, है ना। बिल्कुल और गुरु भी यहाँ पे कारक माने जाते हैं बहुत ही लेटर स्टेज में, लेकिन कारक वो भी है 10th हाउस के। तो अब आप देख लीजिए कि 10th में आपके कर्म भी कितने टाइप के होते हैं कि लॉर्ड है वहां का शनि, प्राइमरी कारक है बुध, उसके बाद मंगल, उसके बाद सूर्य और उसके बाद गुरु। गुरु। तो हम लोग के पास एक्शंस भी करने के लिए, कर्म भी करने के लिए कितने एक ऑप्शंस रहते हैं, ये भी आप देख लीजिए कि कितना मजेदार है कि प्योर लेबर आप कीजिए, प्योर पूरी मेहनत से काम कीजिए और उसके बिल्कुल बाद आप अपना बुद्धि हमेशा काम अपना है बुद्धि से कीजिए, बुद्धि से कीजिए प्योर मंगल के साथ, मंगल के साथ मतलब कि प्योर डेडिकेशन के साथ, सूर्य की तरह हमेशा सही डिसीजन लीजिए, बिकॉज एन एडमिनिस्ट्रेटर कैन नॉट अफोर्ड टू टेक रॉन्ग डिसीजंस। और उसके बाद गुरु की तरह वाइज होइए आप। तो यहाँ पे भी कारक देखिए कि कितने अच्छे से, कितने वंडरफुली कारक भी बनाए गए हैं कि यहाँ के 4 कारक हैं यहाँ पे आपको मंगल और सूर्य दिग्बली होते हैं, मंगल यहाँ पे उच्च के होते हैं, लॉर्डशिप मिली हुई है यहाँ पे कर्मों के देवता आपके शनि को, और जी यहाँ पे कहा जाता है कि जब तक कि आपके कर्म भी पूर्ण नहीं होते तब तक कि यमराज, क्योंकि जो कि शनि के भाई हैं, तब तक कि जी उनका बुलावा भी नहीं आता है। बिल्कुल तो आपको एग्जिट जो यहाँ से जब भी आपका जय गुरुदेव होना होगा तो वो भी आपको शनि के, हाँ शनि के, शनि जी के आपको परमिशन से ही मिलना है। तो आपके जी कर्म डिसाइड भी शनि देव ही करेंगे। और बिल्कुल बिल्कुल 11th हाउस की बात करें, 11th हाउस के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे ऋतु जी? 11th हाउस में हम जैसे कि बोला गया है उसको हम शेयर करते हैं राहु, राहु की राशि है वहां। गुरु गुरु को कारक माना गया है, गुरु ध्यान लगाना स्पिरिचुअल, जैसे हम इनकम का स्थान माना गया है, लॉटरी सट्टा जुआ शेयर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना, वो 11th हाउस राहु जैसे मैंने आपको पहले बोला छप्पड़ फाड़ के देता है तो शनि की राशि, लेकिन वो गुरु राहु को दी गई है कुंडली में। तो जो उसके जो कारक है वो जुपिटर है जो कि स्पिरिचुअल है, गुरु है। तो गुरु के बारे में बस 11th हाउस के बारे में यही कहना चाहूंगी कि अगर राहु बैठ जाए तो देगा, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया देगा तो छप्पड़ फाड़ के, लेकिन अगर कोई दूसरा ग्रह बैठ जाए तो फिर वैसे तो हमने डिस्कस करा कि 11th हाउस में सारे ग्रह अच्छे होते हैं, लेकिन हाँ अगर राहु जैसा कोई ग्रह बैठ जाए तो आपको छप्पड़ फाड़ के आप सोच भी नहीं सकते। मतलब कहते हैं कि लोगों के तो पेट्रोल पंप्स वगैरह होते हैं 11th हाउस में अगर राहु हो तो, इतना इतना भर भर के देता है। तो ये है अगर राहु कहीं दूसरी जगह बैठ जाए तो फिर डिपेंड करता है कि कौन सी राशि में बैठा हुआ है, तो उसके उपाय बताएंगे वो करिए और फिर आगे बढ़िए। इसमें मैं बस एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि राहु को लॉर्डशिप मिली हुई है और जी कारक है वहां पे गुरु, तो गुरु कहना चाह रहे हैं ऋषि पराशर भी कि आप कमाई चाहे जैसे भी करें लेकिन वो कोशिश कीजिए कि आप हमेशा सही रास्ते से कमाएं, सही तरीके से वो कमाएं, वही तो मुश्किल हाँ है, क्योंकि 11th हाउस हाँ ऐसा है कि वो आपको सही सही कमाने, अगर राहु बैठ जाए तो तो वो और शनि बैठ जाए तो फिर सही तो सही गलत तो इंसान ये सोचता नहीं, वो सिर्फ नोटों के यही यही बारे तो यही तो ऑप्शन दिया गया ना, इसीलिए तो इसको उच्च स्थान माना गया है। में सोचता यही है। तो एक जी। ऑप्शन कि आप गलत रास्ते से भी कमा, क्योंकि हर ग्रह यहाँ पे आपको वेलकम है।
दिस इज अ हाउस जहाँ पे हर ग्रह वेलकम है, चाहे मैलेफिक हो चाहे बेनेफिक हो, पाप ग्रह हो शुभ ग्रह हो, हर ग्रह वेलकम है। लेकिन यहाँ पे मजा तो यही है ना कि आप, क्योंकि आप ये देखिए कि 10th और 11th की लॉर्डशिप किसको मिली हुई है, शनि को मिली हुई है, तो है ना। हाँ, तो आप कमाई का जैसे कीजिए, आपके कर्म हो लेकिन उससे लिंक है, तो कर्म तो आपके अब बिगड़ेंगे या फिर सुधरेंगे वो तो आपके कमाई पे ही डिपेंड करता है ना। लेकिन तो कुछ इंसान पार्थ, तो सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, कुछ लोग सोचते कि नहीं हम गलत तरीके से कमाते रहे हमारा, लेकिन उनको ये नहीं पता जब दशा और अंतर दशा आती है तो फिर वो अपना रिजल्ट तो देके जाती है, जैसे साढ़े सती आ देखो गया, राहु की बिल्कुल अंतर दशा आ गई या किसी की, तो वो तो फिर शनि महाराज तो बैठे हुए ना, तो कभी ना कभी तो आएगी। इंसान का कितना भी आगे बढ़ जाए या पाप की कमाई या किसी भी तरीके से कमाए तो उसको कभी ना कभी तो भुगतान भी करना ही पड़ेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली कि आप कमाई भले चाहे जैसे कर लीजिए, लोग साढ़े सात से क्यों डरते हैं, साढ़े सात बिल्कुल से शनि की दशा से राहु की दशा से भाई, क्योंकि इतना उन लोग को भी मालूम है कि उन्होंने कमाई कैसे की हुई है, कि उन्होंने सोर्स ऑफ इनकम उनका इनपुट कैसा हुआ है, तो इनपुट जैसा होगा आउटपुट भी वैसा ही होगा। तो बस यही पे है आपका पूरा का पूरा गेम कि आप ऑप्शन आपको मिलते हैं, या तो राहु की तरह कमा ले नहीं तो फिर गुरु के रास्ते पे चल ले। अब वो आपके ऊपर है कि आप किस रास्ते पे जाना चाहो, क्योंकि जी भूलिए मत साढ़े साती राहु ये सब आपका इंतजार जरूर करते हैं। देखिए, साढ़े सती के बाद उसके 2.5 साल के बाद ढैया भी आता है, क्योंकि जैसे हमें सिखाया गया था कि साढ़े सती में इंसान अगर नहीं सुधरता तो ढैया जब आता है तो वो रिपोर्ट लेने आता है, भैया तुम कितने सुधरे हो, है ना, तो तुम कितने कितने तुम सुधर चुके हो, कि देखने आए हो, चेक करने आए हो कि अपने तुमने रास्ते अपने कर्म तुमने ठीक करे नहीं करे, तो फिर लंबी मार पड़ती है। तो साढ़े सती वो टाइम होता है जब आपको सुधरने, आई थिंक साढ़े सती में लोग इतना कई बार भुगत जाते हैं, स्पेशली सेकेंड फेज पे मैंने देखा है तो भुगत जाते हैं कि वो ना चाहते भी उनको सुधरना पड़ता ही है। नहीं तो साढ़े सात ही में लोग सुधरना चाहते हैं, लेकिन अब जब पहले से ही जैसे आलोक सर इसमें समझाते हैं ना कि भाई तू अब कोर्ट में पहुंच गया है, अब तुम बस चाहे जितना भी अच्छा व्यवहार कर लो कुछ फायदा नहीं सामने तो होना है, जज ही तुम बैठा हुआ है। जज के सामने तो तुम अपना सर झुका के ही रहोगे ही रहोगे ना। बिल्कुल लेकिन पहले बिल्कुल अगर कर्म तुमने सही कर लिए होते तो बिल्कुल कोर्ट में तुमको आने की नौबत ही ना होती, या फिर तेरे को नौबत नहीं अच्छे से आएगी। छूट मिल जाती है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल वही बात है कि आप कैसे कर्म कर रहे हो, आप कैसी कमाई कर रहे हो, आपके जी डिसीजंस क्या है, यही पूरा सम अप कर देता है उच्च स्थान हम लोग के फ्री विल को। कि जी फ्री विल क्या है, यही तो फ्री विल है कि आप भाई आप ये मान लीजिए कि एक एग्जांपल मैं दे दे रहा हूँ कि किसी की एक अल्कोहल की शॉप है, जी अल्कोहल उसके कमाई का जरिया वो अल्कोहल है, वो बेच रहा है लेकिन वो खुद नहीं कर रहा है, वो खुद नहीं पीता है, तो वो अपने कर्म तो थोड़ा सा सुधार रहा है, भले ही वो कमाई कैसे कर रहा है लेकिन कर्म में वो इफेक्ट नहीं डाल रहा है ना, वो लोगों के पास वो कर रहा है। अब यहीं पे आप दूसरा की जो आदमी उसके पास अल्कोहल वाले के पास पैसा बहुत आएगा, अब वहीं पे दूसरा एक कोई टीचर हो गया जो दूसरों के पास आपको नॉलेज दे रहा है, उससे कमाई कर रहा है, दूसरों का ब्राइट फ्यूचर कर रहा है, तो उसकी कमाई भले ही छोटी होगी लेकिन उसके कर्म बहुत अच्छे कट रहे होंगे, वो बिल्कुल दूसरों को एक डायरेक्शन दे रहा है, नॉलेज दे रहा है। तो यहाँ पे कंसल्ट भी कर आप रहा ये है। कर सकते, हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे भी आप ये देख लीजिए कि कमाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कर्म, कि आप जैसे ही करोगे अगर आप गलत रास्ते पे करोगे तब तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कर्म हो गए, सिंपल एज दैट। कि अगर आप गलत कर्मों से कमा रहे हो तो फिर भाई तेरी लगनी तो है जरूर के जरूर, साढ़े साथी में आएगी आएगी कहानी, वो तुम्हारी लगाएगा आराम से। जी जी जज है एग्जीक्यूशनर वो सब में एक ही में ही है कि साढ़े बस साथी को वो वेट करता है, और बस इसीलिए हर कोई बहुत लोग साढ़े साथी या फिर शनि की दशा या फिर कोई भी मैलिफिक प्लैनेट्स की, राहु शनि में राहु लोगों की बहुत बुरी हालत हो जाती है, क्यों, क्योंकि दोनों कमाई और उसके लॉर्ड ही वहीं पे ही है शनि और राहु के, तो इसीलिए लोगों की हालत भी बहुत ज्यादा बुरी होती है, बहुत लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं शनि और राहु में, तो यही सभी है। तो कमाई हमेशा थोड़ा ध्यान से करना चाहिए क्योंकि ये लास्ट उच्च स्थान है हम लोग का, और बेसिकली बिल्कुल ये बहुत बहुत ही हम लोग के कर्मों का धन है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 10th का सेकंड है ये, जी दशम का सेकंड है, तो यहाँ पे हम लोग के कर्म कैसे होंगे उसका धन है वहीं पे, बिल्कुल तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से कमाई करना चाहिए
और इस पे आप कुछ ऐड करना चाहेंगी आप ऋतु जी? जैसे आपने बोला 10th का सेकंड है, उसी हिसाब से मैं कहूंगी 12th का 12th है। तो जैसे बिल्कुल अच्छा, क्योंकि लास्ट हाउस तो 12th होता है मोक्ष स्थान, तो ये 12th का 12th है। यहीं से डिसाइड करेंगे कि आप आगे कहाँ जा रहे हैं, आपके आगे की जर्नी कहाँ की होगी, है ना। तो ये बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन करा। और उसके बाद जैसे हमें सिखाया भी गया था शनि जो है, शनि तो बोल देते हैं हाँ कर्म फल दाता, जैसे हमने अभी डिस्कस भी करा, लेकिन जब राहु आता है तो शनि उसको ऑर्डर करते हैं राहु को कि भैया अब तेरे काम है, तू इनको या तो कोर्ट लेके जा या तो इनको झप्पड़ फाड़ के दे इनके कर्म के हिसाब से। तो इसलिए राहु भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है जिसको 11th हाउस दिया गया है, ऐसे नहीं दिया गया। तो इसलिए जब दिया गया है तो कुछ सोच समझ के दिया गया है, और जब देता है जैसे मैंने पहले कहा, देगा तो छप्पड़ फाड़ के देगा, लेगा तो भी छप्पड़ फाड़ के लेगा, है ना। तो ये चीज है राहु की।